C90 पे राइडिंग जैकेट पहने हुए मेरा फर्स्ट राइड है ये। फुल लोग निकल पड़े राइड पे। और गाइस चैनल तो मोनेटाइज होने वाला है और शायद मुझे ये बाइक बेचने भी पड़े। तो वेगेस और जब मैं संजय आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल संजय मोटो व्लॉग्स, ठीक है। देख ही सकते हो राइडिंग जैकेट पहन के हूँ, ठीक है। मतलब C90 पे राइडिंग जैकेट पहने हुए मेरा फर्स्ट राइड है ये। तो सीरियसली बहुत एक्साइटेड हूँ राइड के लिए। एक टाइम आया था कि मतलब राइड कैंसिल होने को था। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से और घर से हम लोग 10 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। मिल्की को लेके मतलब मेरा खुद का ड्यूक T90 को लेके ये पहला राइड होगा। तो यही बात है और कहाँ जाऊँगा ना जाऊँगा ये सब जाते जाते बताता हूँ, ठीक है। देख ही सकते हो यर इज मिल्की एंड ये है नॉयन। आज ये भी जाएगा, ठीक है। और ये हेलमेट देख ही सकते हो, ये हेलमेट पे ब्लॉग आएगा सेकेंड टाइम। मेरा ही हेलमेट है, ठीक है, उसका नहीं है, मेरा है। तो चलो बूम बूम। अभी ग्लव्स नहीं पहना हूँ, ठीक है, क्योंकि ग्लव्स उधर जाके पहनूंगा। सीरियसली बहुत एक्साइटेड, मतलब बाइक को एकदम धीरे धीरे चलाना है ये, ठीक है। एकदम धीरे से जाऊँगा, राइड को इन्जॉय करूँगा, मौसम को इन्जॉय करूँगा, दो लोगों से बातें करूँगा, यही बहुत है। ये जो पत्थर है ना भाई, सीरियसली बहुत वो होता है, क्या बोलता है उसे, टायर को बहुत नुकसान देता है ये पत्थर। मतलब मेरा टायर का कंडीशन पहले से ही थोड़ा मतलब ख़राब है और अगर उसके बाद ये सब पत्थर पे बाइक चलाया तो भाई समझ सकते हो क्या होगा, ठीक है। और ये वाला रोड बहुत ही ख़राब था, ठीक है, लेकिन हो रहा है। कितना दूर तक हुआ है या क्या सीन मुझे नहीं पता। मैं मतलब बहुत दिनों बाद बहरमपुर जा रहा हूँ तो यही बात है। और गाइस चैनल तो मोनेटाइज होने वाला है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाओ चैनल पे, मतलब वीडियो पे। एक्चुअली सच बात बोलूँ तो मुझे सोलो राइड करना ही मतलब अच्छा लगता है, ठीक है। मैं सोलो राइड करता भी हूँ, मैंने जितना भी राइड किया आज तक, ठीक है, आज तक मैंने जितना भी राइड किया, चाहे लगा लो वो दीघा कर लिया, सिक्किम कर लिया, मतलब जो लॉन्ग लॉन्ग है वो सब मैं सोलो ही कर चुका हूँ, ठीक है। लेकिन नॉयन का बहुत दिनों का शौक था कि मतलब बाइक राइडिंग पे जाएगा वो। ये सब लोग मतलब यूट्यूब पे बहुत आगे से मुझे सपोर्ट करता है, ठीक है, दैट्स वाई मैं ना नहीं कर पाया। और मैंने ही उसको बोला था, मतलब वो मुझे बोल के रखा था कि भैया अगर कहीं पर जाओगे तो मतलब बता देना। तो ABS का काम, तो वो मुझे बोला था कि भैया अगर कहीं राइड पे जाओगे 200-300 किलोमीटर के अंदर तो मुझे बताना, मैं जाऊंगा। तो मैं नॉयन को बोला क्या भाई कि भाई मतलब ये राइड का प्लान हो रहा है, तू जाएगा क्या? तो उसने हाँ बोल दिया और हम लोग निकल पड़े राइड पे, बूम बूम। इस बाइक को जब से मैं लिया हूँ हाईवे पे बस एक बार लेके गया था, ठीक है, वो जो मतलब इसके भाई के साथ फर्स्ट वीडियो था, ये वाला वीडियो, तो इस टाइम लेके गया था। और मतलब सेकेंड टाइम इस राइड पे जाएगा, ठीक है। और बाइक का मॉडिफिकेशन तो फुल पावर हो ही चुका है, ठीक है, एकदम। तो मॉडिफिकेशन में हुआ है, ये नकल गार्ड इंस्टॉल हुआ है, ठीक है, और पीछे का टेल टाइट इंस्टॉल हुआ है, और इधर मतलब एक विंडशील्ड लगाया था, वो विंडशील्ड मतलब कैंसिल करके खोल दिया हूँ, ठीक है। কোথায় মারি তোমার? করো করো করো, হাতটা দেখাও, আমারই থাম্বেল করো। বহুত তেজ হো রহা হ্যায়, বহুত তেজ হো রহা। আও আঙ্কেল, তো ইয়ে হ্যায় মেরা আঙ্কেল কি, তো ইয়ে ও কোথায় যাবো দাদা, কেন দাদা কি করলাম তোমার? तो ठीक है, आओ बॉर्नपुर मिलते हो शाम को, चकना बकना लेके। ये आदि भैया था, ठीक है, लो भाई रेडिएटर ऑन हो गया है। ये
रेडिएटर इतना ऑन होता है ना भाई, ड्यूक 390 का सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, बस एक माइलेज ख़राब है और ये रेडिएटर वाला प्रॉब्लम, मतलब हीटिंग इशू, क्या ही बोलूँ। रोड का काम चल रहा है भाई साहब, मेरा टायर का तो हालात यूं ही खराब है, अब क्या होगा। चलो अच्छे रास्ते मिल गए, लिटरली मैं पागल हो गया हूँ ठीक है, इतना एक्साइटेड लेवल है मेरा। और राइडिंग जैकेट पहन के तो मतलब सीरियसली अलग ही मतलब कॉन्फिडेंस आता है बाइक पे, और वो भी ड्यूक 390 समझ सकते हो ठीक है, एकदम पुई बुम बुम। और अभी डालूंगा पेट्रोल ठीक है, पेट्रोल का कितना खर्चा आएगा वही बात है, बहुत पैसा है मेरे पास ठीक है। क्या बोला तूने? बहुत पैसा है रे बब्बा, फुल कर। मेरी टिप्पी तले है, उतर जा फुल रुको। ठीक है ठीक, सुंदर सब पड़ा। अरे अच्छा तो बस देख ही सकते हो एकदम फुल फुल है ठीक है, बहुत अच्छा लगता है फुल देखने में बाइक ठीक है। बिल टा दियो 115 का ठीक है, ये रहा बिल। यहाँ से निकलने की बारी, अब फुल पावर। तो बाइक फुल करने का जो खुशी है ना भाई साहब, ये हर एक बाइकर को मतलब हर एक बाइकर को अच्छा लगता है ठीक है, मतलब एक बाइकर ही समझ सकता है कि बाइक फुल करने का जो खुशी वो क्या हो सकता है ठीक है। फिर से आदि भैया, मतलब आदि भैया मैं बिल्लूदा और सब लोग एक साथ मतलब शाम को बैठते हैं ठीक है, वही बात है और क्या, और है कुछ नहीं भैया, और कुछ नहीं है जिंदगी में, खाओ पियो ऐश करो मित्र रहो ठीक है, यही बात है, खाओ पियो ऐश करो मित्र रहो, मित्र रहो रो रो मित्र रहो। और गाइस क्योंकि मोनेटाइजेशन एकदम ऑन होने का है ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि डेली व्लॉग करूँ क्योंकि मुझे अभी वॉच टाइम चाहिए, चलिए वॉच टाइम कंप्लीट होने में कुछ ही टाइम बचा है, तो वही बात है। और सीरियसली अगर मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए और यूट्यूब से अर्निंग भी आना शुरू हो जाए तो भाई क्या ही बोलो, तो समझ सकते हो आप क्या होगा, बहुत अच्छा होगा और मैं घूम भी पाऊँगा बहुत ज़्यादा ठीक है, क्योंकि जो भी मैं काम करता हूँ फोटोग्राफी या जो भी करता हूँ ठीक है, तो पढ़ाई वढ़ाई के बाद जो भी होता है मुझसे वो मैं करता था, अभी थोड़ा फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं चल रहा है ठीक है हमारा, मतलब मेरा घर का, तो दैट्स वाई मुझे काम पे मतलब एक काम भी चाहिए, तो मैं बहुत जल्द जॉब पे भी मतलब लग जाऊंगा शायद। जॉब तो मुझे मिल ही गया था ठीक है बेंगलोर पे बीटेक डिप्लोमा करने के बाद, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि यूट्यूब के चक्कर में, और शायद मुझे ये बाइक बेचने भी पड़े ठीक है, पता नहीं क्या होगा इन फ्यूचर। तो मैं अभी आया हूँ आर कस्टम, बाइक के लिए कुछ एसेसरीज देखूंगा लाइक टॉप रैक और सैडल भी देखूंगा और फॉग लैंप भी देखूंगा क्योंकि राइड तो शुरू होने वाला है ठीक है, तो यही बात है। और अभी देखता हूँ क्या क्या मिलता है, बेसिकली आज मतलब इंस्टॉल आज नहीं करूँगा, बस देख के जाऊँगा, तो फिर मतलब समझ सकते हो पैसा पैसा क्या बात है वो भैया, तो वही बात है। तो तो पहले मैं सोच के आया था ये वाला ठीक है, लेकिन इसका जो क्वालिटी है बॉस, एक्चुअली ये इसका जो क्वालिटी है
तो और इसके साथ मतलब ये वायरिंग जो बोलता है मतलब हार्नेस और मतलब स्विच एक मतलब ये एकदम प्लग एंड प्ले है ठीक है। और अगर ये खरीदूंगा तो मतलब ये एकदम एक्स्ट्रा कुछ लेने को नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो वाला खरीदता हूँ तो भाई, लेकिन अगर ये वाला खरीदता हूँ तो बहुत कुछ लेने पड़ेगा ठीक है। तो यही बात है, तो मैं यही सोच रहा हूँ, बाकी सब देखता हूँ। तो सब कुछ देख लिया हूँ ठीक है। और एक्चुअली ये वाला जो रेडिएटर ग्रिल है मतलब रेडिएटर गार्ड, तो यही मैं इंस्टॉल करूँगा। आज तो नहीं करूँगा, मतलब अभी बहरमपुर आया हूँ, समझ सकते हो कितना मतलब खर्चा वर्चा सब है। तो ये घर जाने का टाइम अगर पैसा रहेगा तो करके जाऊँगा इंस्टॉल, यही बात है, और ना रहेगा तो भी करके जाऊँगा, तो यही बात है। तो आज का वीडियो मतलब उतना तो कुछ था नहीं ठीक है, जस्ट बहरमपुर आया तो सोचा कि जब जा ही रहा हूँ बाइक पे ही हूँ तो वीडियो बना लेता हूँ। तो आज का वीडियो इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर नया हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से जल्दी 5K कर दो, तो राइट पे जाऊँगा, प्रॉमिस किया हूँ तो निभाऊँगा अभी तो। ये बात है, तो मिलता हूँ और एक दिन दूसरा कोई वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।